हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए इसी कामना के साथ आज की वीडियो आगे बढ़ाते हैं। आइए घूमते घूमते साथ में जो है हम लोग बजरंगबली के दर्शन भी कर लेते हैं। ये जो सामने आप लोग को मंदिर दिख रही है वो पंचमुखी हनुमान जी की बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है ग्रेटर नोएडा। तो आप लोग इधर अगर आए तो पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन जरूर करें, मन को बहुत शांति मिलती है। बजरंगबली सभी की मनोकामना पूर्ण करें, सभी को स्वस्थ रखें, यही कामना है मेरी। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल। प्रकृति का कोई जवाब नहीं है, यहाँ के कोई रंग आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये रंग अच्छा नहीं है, ये रंग अच्छा है। यहाँ सभी रंग अपने आप में ही एक तब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं इस खूबसूरती को। कहते हैं ना, कुछ चीज़ें वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं हो सकती है, वही है। तो हम लोग आ गए हैं घर। घर में जो है मैंने दाल डाली थी फूलने के लिए। मैं जब भी दाल बनाती हूँ, अगर मुझे याद रहता है, ज़्यादातर याद रहता है मुझे, तो दाल या फिर चावल मैं जब भी बनाती हूँ तो एक डेढ़ घंटे पहले उसको फूलने के लिए पानी में डाल देती हूँ। उससे क्या होते हैं, दो फ़ायदे होते हैं। एक तो आपकी दाल या फिर चावल जो है वो जल्दी बन जाते हैं, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपके गैस की भी बचत होती है। तो फटाफट जो है, ये है नहीं तो फिर जल्दी जल्दी बना लेती हूँ दोनों साइड चढ़ा के। थोड़ी सी मुझे सर्दी भी हो गई है, बट काम तो काम है, काम तो करना है। कुछ दिनों से थोड़ा पूजा के चलते काम भी थोड़ा बढ़ जाता है तो वीडियो नहीं बन पा रहा था। तो मैंने एक तरफ जो है दाल चढ़ा दी है। आप लोगों का नवरात्रा कैसा चल रहा है? उम्मीद करते हैं आप लोग इस नवरात्रे पे माता रानी सबकी मुरादें पूरी करें, सबकी विशेष पूरी करें, सबको स्वस्थ रखें, यही कामना है मेरी आप सभी के लिए। तो एक तरफ मैं जो है बाबू को खाना था आलू का भुजिया, तो आज मैं वही बना रही हूँ। एक तरफ मैंने मिक्स दाल, जिसमें कि मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, और अरहर या राहर जिसे कहते हैं उसकी दाल है। और एक तरफ मैं जो है आलू का भुजिया चढ़ा देती हूँ, क्योंकि बाबू को सब्जी खाना नहीं था तो उसने कहा यही, तो मैंने कहा चलो ठीक। तो फिर एक साइड मैं जो है आलू का भुजिया चढ़ा दे रही हूँ तो जल्दी बन जाएंगे। तब तक मैं जो है चावल डाल देती हूँ थोड़ा देर के लिए, ये जो है फूल जाए। सुबह से आधा दिन तो खाने में ही चला जाता है। बनता है बाबू क्या कर रहे हैं तो टीवी देख रहा है, यही हो जाता है ना अकेले में कि इधर काम करो तो बच्चे जो हैं टीवी का, वो भी अकेले कितना देर, उनको भी कुछ चाहिए खेलने के लिए। तो इसके पापा रहते हैं तो खेलते हैं, तो मैं इधर काम करती हूँ, अदरवाइज जो है वो ज़्यादातर टीवी ही देखता है। लेकिन मैं भी कोशिश करती हूँ कि कम से कम टीवी देखें, ताकि बच्चों के आईज भी सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा टीवी देखना भी अच्छा नहीं रहता है, बाद में फिर पछतावा होता है। तो मैंने कहा थोड़ी देर देख लो, जब तक मैं कि खाना थोड़ा बना रही हूँ तब तक देख लो, फिर उसको ले जाऊँगी मैं पढ़ाने के लिए, तो वो काम भी करना है। कोई खुद से इंगेज बच्चे नहीं होते ना, उन्हें इंगेज करना पड़ता है। ये देखिए मेरी दाल तो बन गई है, एक तरफ मैंने, ये देखिए मेरी भुजिया भी बन गई है आलू की, ये भुजिया तैयार हो गई है, और ये मेरी दाल मैंने छौंक दी है। अकेले में कुछ करने का भी मन नहीं करता है, खाना वाना भी बनाने का मन नहीं करता है। मेरे साथ ये अक्सर होता है, जब बाबू नहीं था ना तो
मैं कुछ कुछ खा के जो है रह जाती थी अपने लिए कौन बनाए। क्या मेरी तरह आप लोग में भी मतलब ऐसा आप लोगों में भी आलस आता है क्या कि सिर्फ मुझे ही ऐसा होता है? आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ होता है कि आप लोगों के साथ भी होता है। जब भी मैं अकेले रहूं, अभी तो बाबू है तो ठीक है क्या, नहीं तो मैं अकेले रहती हूं तो कौन बनाए अपने लिए, महा आलसी हो जाती हूं। ऐसे काम रहता है तो बहुत एक्टिव रहती हूं, लेकिन जब कोई नहीं रहते तो खाना बनाने में मैं महा आलसी रहती हूं। फिर ये बेड वेड भी सारे ट्वाइस भरे रहते हैं, इसके हटाती हूं कभी कभी, तो वैसे मैं इससे ही हटवाती हूं ज़्यादातर, क्योंकि बच्चों को ना सिखाना शुरू से ही बहुत ज़रूरी होता है। वो हैबिचुअल फिर बना रहते हैं कि हाँ ये उनका काम है, मतलब जिस एज के वो रहे ना उस हिसाब से उनको काम देना चाहिए कि बच्चे आप ये कर सकते हो तो ये कीजिए, अदरवाइज़ बच्चे बाद में फिर जो है नहीं करना चाहते रहते हैं। शुरू से आप अगर हैबिट डालेंगे ना इन सब छोटी छोटी चीज़ों को, कि बच्चे आपने अगर होमवर्क कर लिया है तो उसे आप नोटबुक अरेंज करके रखिए, छोटे छोटे काम जैसे ट्वाइस हैं तो हटा दीजिए, ज़्यादातर मैं उसी से हटवाती हूँ। अभी मुझे जल्दी जल्दी काम करने थे तो मैंने हटा दिए। इससे क्या होता है ना कि बच्चे थोड़ा काम भी कर लेते हैं, उसे सीखते भी हैं, और मतलब टीवी वगैरह का भी सहारा कम लेते हैं, क्योंकि बच्चों की टीवी देखने से जो है आइज़ पे ही ज़्यादातर इफ़ेक्ट पड़ता है, जो कि अच्छा नहीं रहता है बच्चों के लिए बाद में हमें लगता है। मैं उसको डांट भी रही हूँ कि आप कोई सामान जो है अरेंज करके नहीं रखते हो, फिर ढूंढते रहते हो, तो मैं उसको बोल रही हूँ कि लो फोल्ड करके सब कुछ रखो, तो उसे जितना हो पाया रखा। अब जो है मैं उसको कुछ वर्क दूंगी तो वो थोड़ा टीवी देखा, मैं कम से कम चाहती हूँ कि वो टीवी देखे, तो उसके लिए मुझे अदर चीज़ें जो है या तो उसके साथ खेलने होती है या तो फिर मैं उसके साथ जो है कुछ वर्क दे देती हूँ तो वो अपना बैठ के करता है इंगेज, मतलब चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज रहे और इन सब चीज़ों में अपना थोड़ा पढ़ाई भी हो जाता है, थोड़ा नॉलेज भी हो जाता है, थोड़ा माइंड भी वो हो जाता है, वैसे बैठा रहता है टीवी पे। बच्चे भी क्या करें, उनकी भी गलती नहीं है, बट हम पेरेंट्स समझते हैं चीज़ें तो उसको कैसे रोके, तो ये सब चीज़ें जो है आप कर सकते हैं, बच्चों के जिस क्लास में है वो उस तरह की चीज़ें आप उन्हें सॉल्व करने दीजिए पज़ल में, या फिर मैथ्स में जो भी उनके सिलेबस में है उससे रिलेटेड जो है उनको कुछ कुछ दीजिए, ताकि खेल खेल में वो पढ़ भी ले और फिर टीवी से भी दूर रहे। तो मैं अक्सर यही काम करती हूँ, तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम देना पड़ता है। बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो वो ज़्यादातर टीवी का ही सहारा लेते हैं, उन्हें कंफर्टेबल वो खेलने में भी ना ट्वाइस भी दे दीजिए तो खेलने में उनको अदर पर्सन चाहिए, अदर बच्चे चाहिए, तो इसलिए जो है अब वो सोचते हैं अकेले क्या ही खेलूं, तो फिर वो टीवी पे बैठ जाते हैं। आप लोग टीवी से दूर रखने के लिए क्या क्या करते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए, तो मुझे भी नॉलेज होगा कि और चीज़ें मैं क्या क्या कर सकती हूँ, तो आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं इसके अलावा अगर कुछ आइडिया हो तो मैं ऐसे ही उसको खेल खेल में पढ़ाती हूँ, और फिर जब वो पढ़ लेता है तो थोड़ा कुछ जो है मैं उसको ड्राइंग बना के दे देती हूँ। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। ये देखिए इस तरीके से मैं जो है इसको पिक्चर बना के देती हूँ, इससे क्या होता है ना कि कलरिंग भी इम्प्रूव होता है बच्चों के, और साथ ही साथ जो है उन्हें चीज़ें भी समझ में आती है। ब्लिंजल Yes. Lady finger. Very good. Chili, tomato. And next one? Mango, apple. Which is fruit? This and this.
this and this. What is the name of this and this? Apple and mango. And which is the vegetable? Tomato. Show me. No, point it. Yes. Tomato. Yes. Chili. Yes. Ladyfinger. Yes. Brinjal. Yes. These are? Vegetables. How many vegetables are here? Four. And how many fruits are here? Two fruits. And what is this? What? This one, green one, first one is? Tree. First tree. So tree is a fruit or vegetable? No. What is this? This is a fruit or vegetable? No, this is a tree, right? Mango tree. We get fruit and vegetable. We get fruit from tree, na? Yes. Tree. Yes. And what are these, Bittu? In the next page? Star and triangle. What are these? These are fruit or vegetable? No, shapes. Shapes, yes. These are shapes. Triangle and? Star. तो फ्रेंड वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए राधे राधे.